हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के इस वीडियो में हम लोग डेराइव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर में डेंसिटी ऑफ पाउडर के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताप सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द डेंसिटी ऑफ द पाउडर, तो जो हमारा पाउडर है उसकी जो डेंसिटी है ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेराइव्ड प्रॉपर्टी होती है हमारे पाउडर की। तो अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस कंडीशन में, इसके पहले वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा मास होता है, मास जो हमारे पाउडर का इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इस कंडीशन में अगर हमें यहाँ पे डेंसिटी को निकालना है तो इस कंडीशन में जो हमारा वॉल्यूम है वो इस साइड आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पाउडर है उसकी जो डेंसिटी है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो इस प्लेस पे अगर हमें अपने पाउडर का मास निकालना है तो उसका वेट डिटरमाइन करके हम आसानी से उसका मास निकाल सकते हैं। बट अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसको डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारी कैपिलरीज हमें देखने को प्राप्त होती हैं। यहाँ पर अंदर एक तरह से फ्री स्पेस वगैरह रहते हैं, जिसके कारण कि उसका ट्रू वॉल्यूम निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इस कंडीशन में हम किस मैथड से अपने जो पाउडर है उसकी डेंसिटी को डिटरमाइन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो हमारे पाउडर की डेंसिटी है वो तीन प्रकार की होती है। इसमें पहला है हमारा ट्रू डेंसिटी, उसके बाद में दूसरा है ग्रेन्यूल डेंसिटी और तीसरा है बल्क डेंसिटी। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि इनको हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द ट्रू डेंसिटी। तो अगर हम ट्रू डेंसिटी की बात करते हैं तो इसको हम लोग रो से इंडिकेट करते हैं। तो इस कंडीशन में इट इज द डेंसिटी ऑफ द एक्चुअल सॉलिड मटेरियल। तो इस प्लेस पे जो हमारा एक्चुअल सॉलिड मटेरियल है उसकी जो डेंसिटी है वो बेसिकली हमारा यहाँ पे ट्रू डेंसिटी कहलाता है। तो अगर हम आसान तरीके से बात करते हैं तो इस प्लेस पे हम यहाँ पे एक तरह से ट्रू वॉल्यूम पहले कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए जो हमारे वाइड स्पेस होते हैं उनका भी वॉल्यूम यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं। तो इस कंडीशन में इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द गिवन मास ऑफ द पाउडर अपॉन ट्रू डेंसिटी। तो ये एक तरह का रेशियो होता है कि जो हमारा पाउडर है उसका मास कितना है और उसका ट्रू वॉल्यूम कितना है, उसके बीच के रेशियो को ही हम लोग ट्रू डेंसिटी कहते हैं। तो अगर हम ट्रू वॉल्यूम की बात करते हैं तो ट्रू वॉल्यूम इज इक्वल टू बल्क वॉल्यूम माइनस वाइड वॉल्यूम। तो इस प्लेस पे जो हमारे पाउडर का बल्क वॉल्यूम है उसमें से अगर हम वाइड वॉल्यूम को रिमूव कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें वहाँ पे ट्रू वॉल्यूम अपने पाउडर का प्राप्त हो जाता है। और अगर हमें अपने पाउडर का ट्रू वॉल्यूम हमने किसी तरह से डिटरमाइन कर लिया तो हम आसानी से इसको एक तरह से ट्रू डेंसिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। द ट्रू डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द पाउडर अपॉन ट्रू वॉल्यूम ऑफ द पाउडर। तो यहाँ पे जो हमारे पास बेसिक चैलेंज होता है वो इस चीज़ का रहता है कि हम किस तरह से अपने पाउडर का ट्रू वॉल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट करें, क्योंकि जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल पाउडर्स होते हैं उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा वाइड स्पेस देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में हम बेसिकली दो मेथड्स को यूज करते हैं और इनको यूज करके हम अपने जो हमारा पाउडर है उसकी ट्रू डेंसिटी निकालते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला मेथड है वो दैट इज द लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो अगर हम इस मेथड की बात करते हैं, द पाउडर हुज डेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड इज एडेड इनटू ए फ्लास्क ऑफ नोन वॉल्यूम एंड वेट इज डिटरमाइंड। तो इस प्लेस पे हम एक नोन वॉल्यूम का फ्लास्क लेते हैं और उसमें उस पाउडर को प्लेस करते हैं, उस पाउडर को रखते हैं जिसकी हमें डेंसिटी निकालनी है और उसका हम वेट डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आसान तरीके से कहें कि एक हम ऐसा फ्लास्क लेते हैं, ये हमारे पास, अगर हम मानते हैं कि ये हमारे पास फ्लास्क है, इसका वॉल्यूम हमको एक तरह से नोन है और इसमें जो हमारा पाउडर जिसकी हमें डेंसिटी डिटरमाइन करनी है उसको हम लोग प्लेस कर देते हैं और इसका वेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम इसका वेट कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसमें हम एक लिक्विड को इंट्रोड्यूस करते हैं और उस प्लेस पे जो हम लिक्विड यूज़ करते हैं इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं कि उसमें हमारा पाउडर इनसॉल्युबल होना चाहिए। तो जब हम उसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड है वो जो हमारे वाइट स्पेस होते हैं पार्टिकल में उनको वो फिल्डअप कर देता है
और हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि जो हमारे वाइड स्पेस है उनको वो कम्प्लीटली अकुपाई एक तरह से कर लेता है, और जो हमारा लिक्विड है उसको हम तब तक उसमें फिल करते हैं अनटिल होल वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इज अकुपाइड, जब तक हमारा जो फ्लास्क है उसका टोटल वॉल्यूम अकुपाइड नहीं हो जाता तब तक हम अपने लिक्विड को उसके अंदर ऐड करते रहते हैं। तो जब हमारे फ्लास्क का टोटल वॉल्यूम अकुपाइड हो जाता है तो उस कंडीशन में उसका हम अगेन वेट डिटरमाइन कर लेते हैं। उसके बाद द कंटेंट ऑफ द फ्लास्क इज एम्प्टीड एंड द ओनली लिक्विड इज फिल्ड इनटू इट एंड वेट। तो इस कंडीशन में जो हमारा फ्लास्क है उसके उसके अंदर का जो कंटेंट है उसको हम एम्प्टी कर देते हैं, फ्लास्क को खाली कर लेते हैं, और उसके बाद में उसके अंदर लिक्विड को हम एक तरह से पूरी तरीके से फिल करते हैं और उसके बाद में उसका हम वेट वहाँ पे डिटरमाइन कर लेते हैं। इस प्लेस पे हम इस चीज़ को आसानी से डिटरमाइन कर लेते हैं कि जो हमारा पाउडर है उसने कितने लिक्विड को वहाँ से डिस्प्लेस किया। तो इस कंडीशन में द ट्रू डेंसिटी इज ऑब्टेंड एज द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ मटेरियल एंड वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो यहाँ पे हम अपने जो हमारा मटेरियल है पाउडर है उसका वेट ले लेते हैं और उसने कितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया उसका वेट ले लेते हैं, और इनके बीच का जो हमारा रेशियो है वही हमारे पाउडर की ट्रू डेंसिटी यहाँ पे कहलाता है। उसके बाद जो हमारा इसमें अगला मेथड है दैट इज़ द गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इन दिस मेथड ए गैस सच एज हीलियम और हाइड्रोजन इज यूज इंस्टेड ऑफ लिक्विड। तो इस प्लेस पे हम हीलियम या हाइड्रोजन गैस को यूज़ करते हैं इससे पहले जो हम लोगों ने लिक्विड यूज़ किया उसके प्लेस पे उसकी जगह पे। तो इस कंडीशन में अगर हम गैस को यूज़ करते हैं तो उसके हमारे पास काफ़ी सारे फायदे हैं कि जो हमारे वो गैस हैं वो अगर उसके अंदर स्मॉलेस्ट पोर्स भी होते हैं हमारे पार्टिकल में तो उसके अंदर भी वो आसानी से पेनिट्रेट हो जाता है, और एक हमें हम कह सकते हैं वो बेटर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ ट्रू वॉल्यूम वहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो वो हो सकता है कि हर जो हमारा पोर है वहाँ पे इंटर ना कर पाए, बट अगर हम गैस की बात करते हैं तो वो हर छोटे से छोटे पोर्स के अंदर इंटर कर जाता है और हमें वहाँ पे एक ट्रू वॉल्यूम कम्प्लीटली अप्रॉक्सीमेशन उसका हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम लोग किस तरह से करते हैं आइए इसको देख लेते हैं। ए वेट क्वांटिटी ऑफ द पाउडर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सैंपल ट्यूब। तो यहाँ पे हम एक सैंपल ट्यूब लेते हैं उसमें वेट क्वांटिटी ऑफ द पाउडर हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर डालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक हम यहाँ पे प्रोसेस यूज करते हैं वो डी गैसिंग की, वो जिससे कि जो भी हमारे पाउडर्स हैं उसके ऊपर कोई अगर एक तरह से एड्जॉर्ब गैस है तो उसको रिमूव करने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। इसको जब हम रिमूव कर लेते हैं तो जो हमारी हीलियम गैस है उसको हम अपनी ट्यूब के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे एक तरह से कैलकुलेट करते हैं प्रेशर वो डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द हीलियम इज डिटरमाइन। तो हमने जब एक तरह से हीलियम को इंट्रोड्यूस नहीं किया था उस समय क्या प्रेशर था उसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं, और हीलियम को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद में डालने के बाद में क्या प्रेशर हुआ उसको हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैनोमीटर। तो इस कंडीशन में द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द हीलियम फिल्ड एम्प्टी अपरेटस एंड इन प्रेजेंस ऑफ द पाउडर गिव्स ट्रू वॉल्यूम ऑफ द पाउडर। तो एक तरह से इस कंडीशन में अगर जो हमारा एक तरह से ट्यूब है सैंपल ट्यूब है अगर वो एम्प्टी है तो उसमें कितना वॉल्यूम हमारा हीलियम अकुपाई करता है फिल होता है, और उसमें एक तरह से पाउडर को ऐड करने के बाद में कितना वॉल्यूम हीलियम उसमें अकुपाई होता है फिल होता है उनके बीच के हम यहाँ पे डिफरेंस को यूज करते हैं अपना जो पाउडर है उसकी ट्रू डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द ग्रेन्यूल डेंसिटी के बारे में। इसको हम लोग रो जी से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम ग्रेन्यूल डेंसिटी की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का रेशियो होता है ऑफ द मास ऑफ द ग्रेनुलर पाउडर एंड वॉल्यूम अक्यूपाइड बाई द ग्रेनुलर मटेरियल टुगेदर विद द इंट्रा पार्टिकल स्पेस। तो इस कंडीशन में जो हमारा ग्रेनुलर पाउडर है उसका जो हमारा वेट है या मास है और उसका जो हमारा वॉल्यूम है टुगेदर विद द
इंट्रा पार्टिकल स्पेस, जो हमारा इंट्रा पार्टिकल स्पेस है उसके साथ में जो उसका वॉल्यूम है वो हमारा ग्रेनुलर डेंसिटी कहलाता है, या इन दोनों का जो रेशियो है वो हमारा ग्रेनुलर डेंसिटी कहलाता है। तो अगर हम ग्रेनुलर डेंसिटी की बात करते हैं तो ये क्या है, रोजी इज इक्वल टू मास ऑफ द ग्रेनुलर पाउडर अपॉन द ग्रेनुलर वॉल्यूम या ग्रेन्यूल वॉल्यूम। तो इस कंडीशन में अगर हम आसान तरीके से कहें तो जो हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे ग्रेन्यूल्स के पार्टिकल होते हैं उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है, या हम कह सकते हैं कि अगर इनका वॉइड स्पेस है उसको हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं, या इसके साथ में जो हमारे ग्रेन्यूल्स का वॉल्यूम है उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं ग्रेन्यूल वॉल्यूम कहते हैं, और इसको यूज़ करके अगर हम डेंसिटी को डिटरमाइन करते हैं तो वो हमारा ग्रेनुलर डेंसिटी यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम बात करते हैं वो ग्रेन्यूल डेंसिटी की, तो इसको हम लोग जो है डिटरमाइन कर सकते हैं बाय लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड। इससे पहले हम लोगों ने जो लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में बात किया था ट्रू डेंसिटी को निकालने के लिए, उसी को हम यहाँ पे बेसिकली यूज कर सकते हैं। बट हमारा जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिक्विड है उसके प्लेस पे हम यहाँ पे मरकरी को यूज करते हैं। तो अगर हम मरकरी की बात करते हैं तो इट डज नॉट इंटर द इंटरनल पोर्स ऑफ द पाउडर। तो जो हमारा मरकरी है वो जो हमारे पार्टिकल के इंटरनल पोर्स होते हैं उसके अंदर इंटर वो नहीं करता है, जिसके कारण कि हम आसानी से जो हमारे ग्रेन्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो द वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल दस ऑब्टेंड इज द ट्रू वॉल्यूम अलॉन्ग विद द इंट्रा पार्टिकल स्पेस। तो इस कंडीशन में जो हमारा वॉल्यूम हम डिटरमाइन करते हैं वो हमारा वो एक तरह से इंक्लूडेड होता है विद द ट्रू वॉल्यूम एंड इंट्रा पार्टिकल स्पेस, दोनों को एक तरह से इंक्लूड करके जो हमारा वॉल्यूम आता है उसको हम यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद में जो हमारा है अगला ये है बल्क डेंसिटी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको हम लोग रो बी से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम बल्क डेंसिटी को देखें, बल्क डेंसिटी ऑफ द पाउडर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द पाउडर एंड बल्क वॉल्यूम। तो इस प्लेस पे जो हम वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा बल्क वॉल्यूम कहलाता है, जिसके कारण इससे जो हम डेंसिटी डिटरमाइन करते हैं वो हमारी बल्क डेंसिटी कहलाती है। तो अगर हम इसके फार्मूले की बात करते हैं, द बल्क डेंसिटी रो बी इज इक्वल टू मास ऑफ द पाउडर अपॉन बल्क वॉल्यूम। तो अगर हम बात करते हैं बल्क वॉल्यूम की कि हम इसको किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, तो इसको हम लोग आसानी से वो डिटरमाइन कर सकते हैं फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द बल्क डेंसिटी ए वेट क्वांटिटी ऑफ द पाउडर इंट्रोड्यूस इनटू द ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। तो यहाँ पे हम एक लेते हैं ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं और उसमें एक वेट क्वांटिटी अपने पाउडर की इंट्रोड्यूस कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। तो उसके बाद में उसको हम एक तरह से वो टैप करते हैं वो मैकेनिकली और वो मैनुअली अंटिल ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज ऑप्टेंट। तो इस कंडीशन में हम जो हमारा था एक तरह से मेजरिंग सिलेंडर था जिसमें हमने पाउडर को लिया था, वेट क्वांटिटी पाउडर को लिया था, उसको हम एक तरह से तब तक टैप करते हैं वो मैकेनिकली या मतलब मैनुअली हम तब तक टैप करते हैं जब तक कि हमें एक कांस्टेंट वॉल्यूम वहाँ पे प्राप्त नहीं हो जाता। हाँ, तो ये हमारा इक्विपमेंट है, ये है हमारे, इनको हम कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर्स कहते हैं। तो इसमें हम एक नोन क्वांटिटी अपने पाउडर की ऐड कर देते हैं, वेट क्वांटिटी अपने पाउडर की हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और ये ऊपर और नीचे की ओर यहाँ पे मूव करता है। तो यहाँ पे हम लोग वो टाइमर अटैच कर देते हैं और यहाँ पे एक हम अटैच कर देते हैं वो रबर वो कुशन, जिससे कि जो हमारे हैमलर सिलेंडर्स हैं वो एक तरह से टूटे नहीं। तो उस कंडीशन में जब ये ऊपर नीचे मूव होता है इसके ऊपर एक तरह से बार बार टैप करता है तो क्या होता है कि जो हमारे पाउडर हैं वो धीरे धीरे नीचे की ओर उनका जो होता है वॉल्यूम वो हल्का हल्का कम होता जाता है और जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो आ जाते हैं तो उसके बाद में उनका जो वॉल्यूम है उसको हम लोग आसानी से यहाँ पे डिटरमाइन कर लेते हैं। और ये जो हमारा वॉल्यूम आता है इससे वो दिस वॉल्यूम इज नोन एज द बल्क वॉल्यूम ऑफ द पाउडर, और इस वॉल्यूम को हम लोग बल्क वॉल्यूम ऑफ द पाउडर कहते हैं। इंक्लूड्स वो ट्रू वॉल्यूम एज वेल एज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई द इंटर पार्टिकल एंड इंट्रा पार्टिकल स्पेस। तो जो हमारे इंटर पार्टिकल स्पेस हैं और इंट्रा पार्टिकल स्पेस हैं उनको ये एक तरह से ऑक्यूपाई करता है और इसके साथ में हमारा ट्रू वॉल्यूम भी इसमें अटैच रहता है। तो आसान तरीके से कहें तो इस कंडीशन में इसको जब हम लोग करते हैं वो टैप करते हैं तो जो हमारे पार्टिकल हैं वो काफ़ी पास पास में आ जाते हैं,
जो हमारे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हमारे एक तरह से वाइड स्पेस में भी आ जाते हैं। तो इसमें जो हमारे पार्टिकल के बीच का है इंट्रा पार्टिकल स्पेस है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है, और जो हमारे एक तरह से पार्टिकल हैं उनके अंदर का जो स्पेस है हम कह सकते हैं इंट्रा है वो भी यहाँ पे हमारी डेंसिटी में इंक्लूडेड रहता है। तो इसीलिए हम इसको बल्क डेंसिटी कहते हैं। तो अगर हम बल्क डेंसिटी की बात करते हैं, बल्क डेंसिटी डिपेंड्स मेनली ऑन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टिकल के शेप के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके पैकिंग अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।